और आइए अब सुनते हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से कमर्शियल प्रोग्राम। प्रोड्यूसर हैं यूसुफ सोलंगी। और आइए अब सुनते हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से कमर्शियल प्रोग्राम। प्रोड्यूसर हैं यूसुफ सोलंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप समात फरमा रहे हैं FM 93 पे हमारा खसूसी प्रोग्राम समाजी हम आहंगी पर कोरोना वायरस के असरात। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आलमी सतह पर कोरोना वायरस के असरात से हम सब वाकिफ हैं। दुनिया के तमाम ही लोग इससे मुतासर हुए हैं। इस सूरत हाल में माशरे के तमाम अफराद बाहमी तौर पर मिलकर ही इस वबा का सामना कर सकते हैं, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोगों में वबा और भूख का खौफ एक साथ परवान चढ़ रहा है। मुख्तलिफ तबकात के माबैन मोहब्बत, रवादारी और इत्तेहाद और इत्तिफाक देखने की बजाय हमें एक वाज़े खलीज देखने में आ रही है। ऐसे हालात में जबकि हम इस मुश्किल वक्त से निमटने का सोच रहे हैं तो मालूम होता है कि जिस तरह वबा से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसी तरह माशर्ती और आलमी सतह पर इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए समाजी हम आहंगी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी ख्याल को लफ्ज़ों में ढालते हुए आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया है, यानी समाजी हम आहंगी पर कोरोना वायरस के असरात। इस मौजू पर बाहम गुफ्तगू के लिए हमने मुक्तदर शख्सियात को दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इंतहाई काबिल एहतराम, आप उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, खूबसूरत लबो लहजे में आप गुफ्तगू फरमाते हैं और हमेशा इंतहाई मोहब्बत और रवादारी आपकी जानिब से देखने में आती है। पाकिस्तान में बैनुल मसालिक हम आहंगी हो, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हो, आपकी काविशें, आपकी कोशिशें हम सब पर आया हैं। तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब, जो इमाम ख़तीब हैं जामा मस्जिद आबे कौसर के, और इसके अलावा आपकी इल्मी और दीनी खिदमात का एक बड़ा वसी तारुफ है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी, और मेरे लिए सआदत है कि आज आपने इस मौजू पर मुझे जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। हमारे दूसरे मेहमान जनाब मौलाना सैयद इलियास शाह साहब, जो इमाम ख़तीब हैं जामा मस्जिद ज़ैनब के, लियारी से आप तशरीफ लाए हैं। आपकी भी बड़ी खिदमात है, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस के दिनों में लोगों की मदद करने के हवाले से, उनकी ढारस बंधाने के हवाले से, अमन मोहब्बत रवादारी के पैगाम को आम करने के हवाले से आप एक तवील अरसे से हमारे साथ वाबस्ता हैं। आज हमने भी आपको स्टूडियो में आने की दावत दी है। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। किबला कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारी तीसरी शख्सियत, पाकिस्तान भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से जाना पहचाना जाने वाला नाम, और जब भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात हो, पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने की बात हो, तो हमेशा आप आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं। तशरीफ़ फरमा है जनाब बिशप जावेद अंजुम साहब, जो कि तशरीफ़ लाए हैं द यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान से। मैं आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिशप साहब, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सामईन, ये प्रोग्राम मफाद आमा के लिए इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक तालीमी और तहकीकी इदारा है जिसका मकसद माशरे में अमन व अमान और मुख्तलिफ तबकात के माबैन समाजी रवाबित और बाहिमी एहतराम को फ़रोग देना है। चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि किबला समाजी हम आहंगी से क्या मुराद है, और मुख्तलिफ तबकात के माबैन समाजी हम आहंगी क्यों और किस लिए ज़रूरी है, और हम इसे कैसे फ़रोग दे सकते हैं? समझना होगा कि हम माशरे में रहते हैं और हमारे माशरे में मुख्तलिफ तबकात मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़बानों वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के लोग, मुख्तलिफ बिरादरियाँ, कबीले हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं। समाजी हम आहंगी से मुराद ये है कि हम एक दूसरे को कबूल करें। कबूल करने से मुराद कोई गलत फहमी में ना रहे, कबूल करने से मुराद ये नहीं है कि किसी एक मसलक, किसी एक मज़हब या किसी एक कौम या बिरादरी को हम एक साथ इस तरह जोड़ लें कि हर एक का मसलक एक हो जाए, हर एक की बिरादरी एक हो जाए, हर एक की ज़बान एक हो जाए। नहीं, मकसद यह है कि हर एक अपने मसलक के एतबार से, अपने मज़हब के एतबार से, अपनी बिरादरी, अपने कबीले, अपने रवाह व रवासिम
और मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उन सबको सामने रखते हुए ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारे कि अगर मेरी ज़बान से किसी के दिल का दर्द दूर हो सकता है तो मैं अपनी ज़बान या अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उसकी खैरख्वाही करूं, अगर मैं किसी को माली तौर पर इआनत या मदद के ज़रिए उसकी मुश्किल दूर कर सकता हूं तो वो करूं, यानी समाजी रवैया हमारा बेहतर होना चाहिए। और अगर हमने ये न किया तो इसके नुकसान ये होंगे कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, और ख़ास तौर पर इन हालात में जब हमारे अतराफ़ में मौजूद है तो आम हालात से ज़्यादा हमें इन हालात में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मोहब्बत, रवादारी और अच्छे बर्ताव के साथ उनके साथ अपने समाजी ताल्लुकात को बेहतर करना है ताकि उनको किसी अजनबियत का एहसास ना हो, बेगानगी का एहसास ना हो, बल्कि सब मिलजुल कर अच्छे अंदाज से एक मुल्क के नुमाइंदे बन के, एक कौम बनकर, एक नेशन बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बड़ी खूबसूरत बात की मुफ्ती इसहाक मदनी साहब ने कि हमें एक कौम बनकर इस वबा का मुकाबला करना होगा। मैं अब अल्लामा साहब से बात करना चाहूंगा। किबला, आपने मुफ्ती इसहाक मदनी साहब की गुफ्तगू सुनी, हजरत ने जो है वो समाजी हमांगी का तारुफ पेश किया, तो सैयद याशा साहब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम समाजी हम आहंगी को फरोग कैसे दे सकते हैं, आप इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद, मैं सबसे पहले IRISS का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म से रेडियो पाकिस्तान के इस चैनल पर अपना पैगाम पहुंचाने का मौका दिया, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दूसरी बात, आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि हम समाजी आहंगी को फ़रोग कैसे दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि समाजी हम आहंगी, ये दोनों लफ्ज़ अगर देखा जाए तो ख़ुद एक मुतरादिफ अल्फाज हैं। समाज का माना यही है जहाँ बिला इम्तियाज इंसानियत को रहने का हक हासिल हो। क्या बात है? जहाँ बिला इम्तियाज लोगों को एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारने, मामलात, रहन सहन का हुकूक हासिल हो, ये इसको समाज कहा जाता है। और आपने जो इसके साथ एक लफ्ज़ और लगाया है हम आहंगी, तो ये इसके अल्फाज के हुसन में मजीद इजाफा पैदा करता है कि गोया के जो इमारत समाज से कायम हुई थी, जो इमारत आपस में एक दूसरे को बिला इम्तियाज रहन सहन के जरिए जिसकी बुनियाद रखी गई थी, हम आहंगी के जरिए उस इमारत की, उस बरमंजिल की गोया की तकमील हो जाती है। गोया के जो हम एक दूसरे के बारे में हमारे नजरियात हैं, हम उसे बजाय के बर्दाश्त करें, लेकिन इसके मुकाबले ये अल्फाज हम इस्तेमाल करें कि हम उसे कबूल करें। बर्दाश्त करने का माना ये होता है कि ना चाहते ही हम एक बात को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कबूलियत के अंदर बर्दाश्त की जो सिफत है वो ख़त्म हो जाती है। कबूलियत का माना ये होता है कि हम उस काम को अपना फरीजा समझकर अदा करना चाह रहे हैं, और बर्दाश्त का माना ये होता है कि हम ना चाहते हुए एक काम को अपने ऊपर बोझ समझ। जी, हम आहंगी के लिए हम पहला काम एक दूसरे को कबूल करें, यानी हम अपनी ज़रूरत समझें कि माशरे के अंदर हम इसे किसे फ़रोग दिए। दूसरी बात, इसके फ़रोग के लिए ज़रूरी ये है कि इंसान अपने नज़रियात पर कायम रहे और दूसरों के नज़रियात को कबूल करने की सलाहियत पैदा करें, और इसी तरह अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपना मसलक, अपना मज़हब किसी पर हम मुसल्लत करने की कोशिश न करें, और अपने मसलक, अपने मज़हब को कानून के दायरे में रहते हुए हम उसकी इशात और तरवीज़ करें। न तो मज़हब की मज़हब से जंग होगी, न मसलक की मज़हब मसलक से जंग होगी, न मज़हब और मसलक की तरवीज और इशात में इदारों के साथ कोई लड़ाई और झगड़ा होगा। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। बिशप जावेद अंजुम साहब की जानिब आना चाहूँगा। बिशप साहब, हमारे माशरे में कोरोना वायरस की वजह से समाजी हमांगी और कौमी यकजहती पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, आप अपने मुशाहदे के मुताबिक हमें इस बारे में क्या रहनुमाई करेंगे कि असरात कौन से मुरतब हुए हैं, और इसके साथ साथ समाजी हम आहंगी कोरोना से निमटने में कैसे मददगार साबित हो सकती है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने यहाँ में मदद किया। इसके लिए ये है कि देखें, समाजी आहंगी जो है इसी तरह ही पैदा हो सकती है कि जिस तरह मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि हमें एक दूसरे को कबूल करना है, और बेशक इस मुल्क के अंदर बहुत से तबकात हैं, ज़ुबान बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसलक के लोग हैं, लेकिन इकट्ठा रहने में, एक दूसरे को कबूल करने में ही आहंगी ज़ाहिर होती है। बेशक, और
मिलजुल कर रहने का नाम ही आम आहंगी है, और जब हम ये करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क इसमें ही तरक्की पाएगा। अब कोरोना के हवाले से जो बात है, कोरोना के हवाले से बेशक ये पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान के अंदर भी है, और इससे निपटने के लिए बहुत से तंजीमों ने, बहुत से ऐसे लोग जो कर सकते थे, और बहुत पाकिस्तान चूँकि एक ग्रे मुल्क है, इसमें ज़्यादातर लोग गुरबत की ज़िंदगी बसर करते हैं, और यहाँ लॉकडाउन लगाया गया, और फिर दूसरी तरफ ये है कि ज़ाहिर है लोगों ने ज़िंदगी बसर करनी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में पूरी जितने लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात में रहते हैं उन सब को तो तक तो ना पहुंच सका, लेकिन कोशिश अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा कोशिश करनी है, और ऐसी जो मनफी बातें हैं उन पर काबू पाना है, मुसबत सोच रख कर हमने आगे बढ़ना है ताकि हम सब मिलकर इस पर काबू पा सकें। जी बहुत शुक्रिया। बिशप जावेद अंजुम साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब मदनी साहब, कोरोना वायरस ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी अचानक आने वाली इस आजमाइश का मुकाबला करने में नाकाम हो गए हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं, कई बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, इसी तरह यकीनन पाकिस्तान में भी हमें इसके मज़ाहिर देखने में आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान ज़र मुबादला भेजा करते थे, उनकी वजह से यहाँ मौजूद लोगों की बड़ी हेल्प हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क की हैसियत से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक आने वाली इस आजमाइश ने हमारे माशरे को बहुत से पहलुओं की तरह माशी तौर पर भी खासा कमज़ोर किया है। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ़ तबकात की जानिब से मिले जुले तासुरात का इजहार किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ रवैये सामने आ रहे हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि मजमूई तौर पर अफराद को आपस में किस तरह के समाजी ताल्लुकात रवा रखने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो माशी तौर पर मुश्किलात आई हैं इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? देखिए क़िबला, हमें इस बात को बहरहाल समझना है कि हुकूमत वक्त या हुक्मरान या हमारे जो सरबराहान हैं हमारे मुल्क के या मुख्तलिफ सूबों के या मुख्तलिफ टाउन और यूसीस की तरफ आप आ जाइए तो किसी में इतनी सलाहियत नहीं है कि हर हर घर के हर हर फर्द तक मदद पहुंचा सके। जाहिर है कि मुख्तलिफ तंजीमात हैं, उन्होंने अपनी सतह पर कोशिश की है, मुख्तलिफ तबकाए ज़िंदगी के लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी सतह पर अपनी इस्तेआत के मुताबिक अपनी कैपेसिटी में रहते हुए लोगों के साथ तआवुन भी किया, उनकी मदद भी की और कर भी रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि एक बड़े पैमाने पर मदद करना, जाहिर है कि हुकूमत ने जो करना था वो किया अपनी इस्तेआत के मुताबिक, और अभी भी वो कर रहे हैं कोशिशें कि लॉकडाउन की सूरत हाल में किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह उनको मज़ीद सहूलत और आसानी फराहम की जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, वज़रा आला अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत एक इंसान के मुझे सोचना है कि जब ये सूरत हाल है कि एक इलाका, एक महल्ला या एक घर इससे मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा का शिकार हो चुकी है, तो करना क्या है? करना यह है कि मुझे अपने आका हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के दो पहलू जो सामने नज़र आते हैं वो क्या हैं? कि आप देखिए कि जब मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ा और लोगों की कफालत की जो खसूसियात या खूबियाँ थीं वो ख़त्म हुई, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से ये कहा था कि जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, तो बताइए हम उनके साथ क्या ऐसा रवैया करें कि इस वक्त उनकी कफालत हम कर सकें या उनके घर की खैरखाई का मामला हो सके। तो उन्होंने कहा था हज़रत अब्बास ने कि जाफ़र को मैं अपनी कफालत में ले लेता हूँ, अली को आप अपनी कफालत में ले लीजिए। तो यूँ हुआ कि एक ख़ानदान पर मुश्किल आई तो ख़ानदान के अफराद ही आगे बढ़े, और एक घर जो 5-8 अफराद का खर्चा नहीं उठा पा रहा था तो उसको तकसीम कर लिया गया, जब तकसीम किया गया तो आसानी हो गई। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना पहुँचे हैं तो आपने मुआक़ात का रिश्ता कायम फरमाया, एक अमीर को एक गरीब के साथ जोड़ दिया। तो अगर हम एक बोझ उठाने में कामयाब हो जाएं किसी का भी, मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और मेरे भाई का बच्चा, बहन का बच्चा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है,
तो क्या मैं अपनी इस्तेदात के मुताबिक उसकी मदद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको कोर्स दिला सकता हूँ नहीं दिला सकता। मेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो मैं अपने घर के खाने में से उसको हिस्सा कोई पहुँचा सकता हूँ नहीं पहुँचा सकता। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर हर बंदा इसमें इन्वॉल्व हो जाए और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दे तो आप ये देखिए कि माशरा फिर किसी पर बोझ नहीं बनेगा। आज मेरे पड़ोस में अगर कोई खुदकुशी की वजह से मर जाता है, भूखा है प्यासा है, तो कयामत के दिन मुझसे मेरा मसलक मेरा मजहब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तुम्हारा पड़ोसी भूखा कैसे मर गया। तो ये है असल बात कि जिस फलसफे की तरफ हमें आना है कि इस वक्त दो चैलेंजेस हमारे सामने, एक लोगों को भूख और प्यास से हमें बचाना है और दूसरा लोगों को सर्वाइव करने का तरीका बताना है कि इस इन हालात में आप अल्लाह पर तवक्कुल भी कीजिए और तवक्कुल के साथ साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारी जिस तरीके से खिदमत हाजिर है, अगर पानी की ज़रूरत है पानी पहुँचाएंगे, राशन की ज़रूरत है राशन पहुँचाएंगे, सब मौजूद है। लेकिन अगर माशियाती रवैयों की वजह से कोई आप किसी हवाले से परेशानी का शिकार है, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे, हम आपका दुख दर्द समेटेंगे बांटेंगे। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हर बंदा इन्वॉल्व इसके अंदर हो जाए अपनी अपनी सतह पर, तो इंशाल्लाह इस माशरे पर जो बहुत ज़्यादा असरात हैं उनमें कमी वाकई हो सकती है। जी बड़ी खूबसूरत तजावीज़ आपने पेश की हैं और यकीनन हमारे सुनने वाले जो सामईन हैं वो उलमा की बात को, मजहबी कायदीन की बात को बहुत अहमियत देते हैं। जब भी आज हमने बतौर ख़ास आप सब मौजूद शख्सियात को स्टूडियो में इनवाइट किया है, अल्लामा इलियास शाह साहब से पूछना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में मजमूई तौर पर हमारा रवैया कैसे होना चाहिए। हम इससे पहले भी मुसीबतों का सामना कर चुके हैं, बड़ी आजमाइशों का सामना हमें पहले भी रहा है। आप देखिए कि जब कश्मीर में जलजला आया तो पूरी कौम कराची ता कश्मीर खैबर एक हो गई, तमाम इख्तलाफात भुलाकर नस्ली मजहबी अकीदे के नज़रियात को साइड पर रखने के बाद हम देखते हैं कि पूरा मुल्क बाहर निकल आया और उस एक बड़ी आजमाइश का हमने मिलकर मुकाबला किया। सैलाब जदगान की मदद हो या इसी तरीके से नेशनल डिज़ास्टर के मौके पर जो हमारी कौम का रवैया देखने में आता है, करोना वायरस में एहतियात भी करनी है, ख़ुद को इस बीमारी से बचाना भी है, लोगों की मदद भी करनी है, तो मजमूई तौर पे हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हम कैसे मिलकर इस वबा का सामना कर सकते हैं मुकाबला कर सकते हैं, इस बारे में हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी आपका सवाल यह है कि मजमूई तौर पर हम कैसे इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं और हमारा रवैया क्या हो। जी आज का जैसे हमारा उन्वान है समाजी हम आहंगी और मजमूई तौर पर हमारा रवैया क्या हो, ये आपका सवाल इस उन्वान के साथ भी मुनासिबत के साथ जुड़ता है। देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी नुज़ूल वही के बाद है और एक ज़िंदगी आपकी नुज़ूल वही से पहले है। जब आप पर वही का नुज़ूल हुआ, बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल की रिवायत है, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते वक्त जो कलिमात अर्ज़ किए थे बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है, फरमाए इन्नक ला तसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रियुज़ ज़ैब व तुईनु अला नवाइबिल हक़। वो इसी मौजूदा सूरत हाल के साथ बिल्कुल हमें समझ में आते हैं। ये नहीं फरमाया कि आपकी नमाज़ें ज़्यादा हैं, नवाफिल ज़्यादा हैं, आपकी इबादत कसरत से हैं, फरमाया अल्लाह आपके साथ हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी चंद खसूसियात हैं, आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी के अंदर चाहे वो अपना हो या पराया हो, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या गैर हो, हर एक के साथ मदद करना, जिसके मुख्तलिफ वाक़ियात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुतुब के अंदर मौजूद हैं। दूसरी सिफत ये बताई गई कि आप लोगों का बोझ उठाते हैं, व तक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं आप उनके लिए कमाते हैं। ये आप अली सलाम की ज़िंदगी का पहलू नुज़ूल वही से पहले का है, अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ, उससे पहले गोया के आप अली सलातु वसलाम की हर हर अदा को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसूल बनाया है। हमें ऐसे मौक़ों पर वही के नुज़ूल के बाद की ज़िंदगी को भी पढ़ना है और नुज़ूल वही के पहले की ज़िंदगी को भी पढ़ना है कि हम देखें अभी तक ना कुरान का नुज़ूल हुआ, ना आप अली सलातु वसलाम ने अहकामात शरीयत लोगों को बताना शुरू किए, उससे पहले आपका अमल लोगों के साथ क्या है कि व तक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं आप उनके साथ उनके लिए कमा करके उन पर खर्च करते थे, व तक़रियुज़ ज़ैब व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ उठाते। इस मौके पर हमें इन आमाल पर ज़रूरी तौर पर अमल करना होगा कि हम लोगों का बोझ उठाने वाले बन जाएँ। इसका ये माना नहीं कि हम अपनी ज़रूरियात को छोड़कर लोगों की जरूरत नहीं, जितनी हमें हैसियत है इस्तेआत है हम उसके लिए कोशिश करें, मैदान अमल में उतरें। और मजमूई तौर पर इसमें हम ये बात ज़रूरी तौर पर याद रखें, हम तनकीद से बाला तर होकर कि फ़लाँ आदमी इस मौके पर यह खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इसके क्या मकासद हैं, इन्हें नाम चाहिए, इन्हें अपना प्रोग्राम आगे पहुँचाना है,
इन चीज़ों से जब तनकीद से हम बालातर होकर के ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका मजमूई तौर पर यह असर पड़ेगा कि हमारी समाजी आहंगी भी मजबूत होगी और हमारा ये जो मुश्किल वक़्त है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। जी क्या खूबसूरत बात कही। एक शायर ने कहा था कि चमन में इख्तलात रंगबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। पाकिस्तान की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मसालिक एक साथ ज़िंदगी बसर करते हुए नज़र आते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैंने कई मौाक़े पे इस बात का इज़हार किया है कि जब आप कराची से सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हर दो घंटे के बाद कल्चर और लैंग्वेज, इस तरीके से रहने के जो उसूल हैं या मिसाल के तौर पर पकवान हैं, ये सब बदल जाते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती है। आज हमारे प्रोग्राम में भी हमने इस बात का ख्याल रखा है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से नुमाइंदगी मौजूद हो। बिशप जावेद अंजुम साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम होने वाली 3 रोज़ा वर्कशॉप में भी तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मौजूद रहे। तीनों दिन आपकी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ गुफ्तगू रही। इस वबा के दिनों में आप क्या समझते हैं कि क्या हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने हम अकीदा, हम मसलक, हम मज़हब या हम ख्याल लोगों की मदद करनी चाहिए, या मदद करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि ये एक इंसान है, ये एक पाकिस्तानी है और ये एक जो इस वक्त मजबूर इंसान है जो हमारी मदद का मुस्तहिक है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों की आप रहनुमाई फरमाएं। बेशक, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेसिकली ये जो वबा है ये तो पूरी दुनिया के अंदर है जी, और जब वबा पूरी दुनिया के अंदर है तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और इसी तरह हमारे मुल्क में भी हैं। वबा सब मज़ाहिब के ऊपर है जी, तो हमें फ़र्क तो नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक कुछ थोड़ी से हटकर भी बात करना चाहूँगा कि एक बिशप होने के नाते पर मेरा इसमें बहुत ज़्यादा मेरे जहन में भी बात आती रही, अभी भी है और पिछले जब से ये शुरू हुई है। इसमें मैं एडिशन ये करूँगा कि सबसे पहले तो एज इंसान होते हुए और किसी ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए, ईमान से ताल्लुक़ रखते हुए जी, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। बेशक बेशक। और फिर भले वो अपने अपने मज़हब में रहकर अपने अपने तरीके से करें जी। और रही बात एक दूसरे की मदद करने की बिला तफरीक, तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने इंसान को एक ही बनाया है और बिल्कुल हमें बिला तफरीक एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अलबत्ता हमने की भी है, हमारी कुछ मजहबी तंजीमें हैं, हमने की भी है और कर भी रहे हैं, और मैं गुजारिश भी करूँगा उन तमाम वो जो ताकतें हैं, वो तबकात हैं, वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कर सकती हैं, वो बिला तफरीक व मज़हब, रंग, नस्ल, ज़बान के एक दूसरे की हेल्प करें। और ये इस तरह से ये भी पता चलता है कि कौन कितना अल्लाह के या खुदा के, भगवान के या जो भी है, बहरहाल मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि कितना करीब है। बेसिकली हमने इंसानियत को बचाना है जी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जितना करीब होगा खुदा के उतना ही ज़्यादा लोगों की मदद करेगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। मुफ्ती साक मदनी साहब, हमारे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक रोज़ाना अब ये तादाद सैकड़ों में जा पहुंची है कि जो इस दुनिया से जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ कुछ तबकात इसे सासी नज़रियात के तनाजुर में या अफवाहों के तनाजुर में या इस लिहाज से भी देखते थे कि शायद ये पाकिस्तान के इम्यून सिस्टम के लिए ख़तरनाक नहीं है, हमारे यहाँ इस बीमारी का वैसा असर देखने में नहीं आ रहा जैसा यूरोपी ममालिक में या वेस्टर्न ममालिक में देखने में आ रहा था। लेकिन हमारे करीबी जानने वालों में, आपके हमारे मुश्तरका दोस्तों में अब अमवात की खबरें आ रही हैं, लेकिन गैर संजीदगी भी उसी कदर बढ़ती चली जा रही है। अब बाज़ारों में रश लगा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम देखते हैं कि लोग जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं, मास्क नहीं पहना जा रहा, इसी तरीके से सामाजिक फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा।
तो क्या आप इस बारे में ये नहीं समझते कि हमें पहले से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हमें पहले से ज़्यादा मोहतात होने की हाजत है? क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से आप हमारे FM 93 के सामईन को मशवरा देंगे कि इस मौके पर हमारा फौरी तौर पर जो रद्दे अमल है वो क्या होना चाहिए? देखिए, इंसान की नफसियात है कि अगर आग लगी हो तो उससे दूर भागता है। आप किसको धूप में खड़ा कीजिए और अगर साये उसे मुयसर आ जाए तो वो आपकी नाफरमानी करते हुए, हुक्म अदूली करते हुए फौरन साये में आ जाएगा। तो इंसान की नफसियात तो है। अब जिन घरों में ये वबा पहुंची है, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ कीजिए या उनसे आप उनकी वीडियोज़ देखिए तो आपको बताएँगे कि खुदारा अपने आप को, अपने घर वालों को बचाइए। और एक जुमला मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि एहतियात कीजिए इससे पहले कि आपसे एहतियात की जाए। अल्लाह, तो अगर एहतियात नहीं करेंगे तो यकीनी सी बात है कि फिर आपसे एहतियात की जाएगी और आपको फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो इसका शिकार होंगे वो आप होंगे और आपके ज़रिए आपकी फैमिली इसका शिकार होगी। जिन फैमिलीज़ में खुदा ना खासा एक भी कोविड-19 का मरीज़ पाया गया है ना, तो आप ये देखिए कि 6-6 माह के बच्चों तक को जो है, मतलब वो कोविड के असरात में वो लोग मुलव्वस हो गए। तो ये हमें इस पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि आया वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इन चीज़ों को हमें फिर दूर कैसे करना है। मैं एक मुख्तसर सी मिसाल आपको दूँ। देखिए, वबा के मौके पर या आफात के मौके पर कुरान पाक ने हमें क्या मिजाज बताया। हम मुसलमान हैं और कुरान पाक का मिजाज हमें समझना चाहिए। आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन तवक्कुल का मतलब असबाब को छोड़ देना नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब तूफ़ान आया था, पानी का अज़ाब आया, मौजूद है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला चाहता तो जितने भी कलमा गो थे उस वक्त के नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले सबको बचा लेता, लेकिन उन्हें किश्ती बनाने का हुक्म इरशाद फरमाया गया, आप किश्ती बनाइए। उसके बाद जो है, जो किश्ती में सवार होगा उनको बचा लिया गया। ये एहतियात का मामला है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़ मौजूद है, जब आफात का मामला हुआ और कहत का मामला हुआ तो आपने उस वबा के, उस कहत के आने से पहले आपने 7 साल के लिए गल्ले का इंतज़ाम फरमाया। ये क्या है? ये सारा मामला ये है कि भाई एक कहत आने वाला है, एक वबा आने वाली है, एक मुसीबत आने वाली है, तो उससे पहले आप इंतज़ाम कीजिए। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, तो अगर आप ये समझते हैं कि इस वबा से आपको बचना है तो फिर आप अल्लाह की मानिए, अल्लाह के रसूल की मानिए, कुरान की मानिए। और आफात से पहले, अब आफात आप पर मुसल्लत हो गई है तो ये गर्मी से नहीं जाएगी, ये जुशांदे पीने से नहीं चली जाएगी, लेकिन आप ये देखिए कि जो माहिरीन आपको बता रहे हैं उन चीज़ों का आप ख्याल कीजिए। और ये मास्क का इस्तेमाल ये लाजिम और ज़रूरी है कि 50% तो इससे आप बच जाएंगे और बाकी 50% आप इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दीगर लोगों के साथ भी आप रहते हैं। सोशल डिस्टेंस, तन दूरी, दिल मिले रहें मगर जिस्मों को जुदा रखिए, हाथ मिलाने से एहतियात कीजिए, दिल जुड़े रहने चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर हम सबको कोशिश बहरहाल करनी चाहिए, हिफाजत करेंगे तो हिफाजत होगी, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। वक्त के दामन में वसत बहुत कम रह गई है, इख्तितामी लम्हात हैं और मैं चाहूँगा एक एक जुमले में आप अपना पैगाम दीजिए ताकि फिर हम अपने सामईन से इजाज़त चाहें। मैं अपने सामईन को आज यही पैगाम देना चाहूँगा कि हर फन के अल्लाह ने लोग पैदा किए हैं, अगर जहाँ शरी ज़रूरत पेश आए वहाँ मसला उलमा से राबता करें, जहाँ तिब्बी ज़रूरत पेश आए वहाँ मसला डॉक्टरों से राबता करें। इस मौके पर डॉक्टर हजरात जो आपको हिदायत दें उस पर भी अमल करें और तवक्कुल और शरीयत के मसाइल के बारे में जो उलमा बताएं उस पर भी अमल करें। जी बिशप साहब, आप क्या कहना चाहें? ये कहूँगा कि सबसे बढ़ कर के SOPs पर अमल करें जी, बहुत ज़रूरी है। वो तमाम मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बग़ैर मास्क के फिरते हैं, मार्केटों में जाते हैं, कोई फासला नहीं रखते, वो इन पर अमल करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हम बच सकते हैं। जी, हमारे तीनों मेहमानों ने आज बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और जो हमारा मौजू था समाजी हम आहंगी के हवाले से बहुत खूबसूरत तजावीज़ सुनने में आई। और मैं नाज़रीन यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब भी हम एक ऐसा माशरा तश्कील दे सकेंगे जो किसी भी नागहानी आफत के लिए हमेशा और हर वक्त तैयार होगा, हमें अपने लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर पुरअमन माशरा फराहम करने के लिए अपने रवैयों को आज और अभी से तब्दील करना होगा। बाहमी मदद और ताउन में बतौर इंसान हिस्सा बनना होगा, किसी रंग या नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से। और मैं बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को खुद ही हिलाना होगा,
कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम मेहमानों का जो तशरीफ लाए, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब, अल्लामा इलियास शाह साहब, बिशप जावेद अंजुम साहब जो तशरीफ लाए, और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के जरिए तमाम इस प्रोग्राम में शिरकत की। अपने सामीन से इजाजत चाहूंगा, अपने मेजबान सज्जाद मदनी को इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हमारा आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे इस्लामिक रिसर्च सेंटर के हवाले से, मेजबान थे मुफ्ती इसहाक मदनी। सहपहर के 3 बजने वाले हैं। अब से चंद लम्हों के बाद रेडियो पाकिस्तान से खबरें नशर की जाएंगी।